दुल्हन बनने से पहले क्या करना चाहिए? जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि हम दुल्हन बनने वाले हैं और हमें अपनी बॉडी पर कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि ग्लो बहुत ज्यादा दिखे। आमतौर के जो लोग हैं उनसे भी हमारा जो बॉडी है हमको लगना चाहिए कि हम दुल्हन है, हम ब्राइडल। तो ऐसा है ना, आप 1 महीने पहले करिए। 1 महीने पहले अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। आप फेशियल ही देख लो, आप फर्स्ट स्टेप करवाते हो उसमें आपको समझ नहीं था, आप सेकेंड पैकेज लेते हो, थर्ड लेते हो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। वैसे ही आपको बॉडी पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉल्सिंग, बॉडी पॉल्सिंग करवाना चाहिए, स्पा वगैरह जो आपको सही लगे आप करवाओ। पॉल्सिंग बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए, एंड फेशियल जैसे हम फेशियल करते हैं वैसे ही बॉडी के लिए पॉल्सिंग करवाएं, एंड वही सबसे अच्छा केयर है। एंड हेयर को भी बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, हेयर स्पा करवा सकते हैं, स्मूथनिंग करवा सकते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए है हेयर के लिए। और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कटिंग वगैरह हेयर में आए, और फेस भी तो आपको फेशियल लेना ही है, बॉडी पर पॉलिशिंग लेनी है, नेल्स वगैरह, मैनिक्योर पैडिक्योर, और उसके बाद आपके स्किन पर ग्लो आ जाएगा। और मेकअप वगैरह तो होता ही होता है, एंड इतना कुछ करना होता है एक लड़की जब ब्राइडल बनने वाली होती है। इसलिए आपको ये सारे जो वर्क होते हैं वो 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी आपके स्किन पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट ग्लो दिखाई देगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।